मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सोमवार की रात एक एमआर को गोली मार दी। दरअसल मामला जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के सनीचरा स्थान के समीप का है, जहां अपराधियों ने एमआर के रूप में कार्यरत मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के धरफरी के रहने वाले रामनंदन प्रसाद शाह के पुत्र मनोज कुमार गुप्ता को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि घायल एक परिचित से मिलकर वापस मुजफ्फरपुर आ रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने मीनापुर थाना क्षेत्र के शनिचरा स्थान के पास उन पर गोली चला दी। वहीं गोलीबारी की इस घटना में मनोज कुमार गुप्ता की कमर में एक गोली लगी है। घायल को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं गोलीबारी की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। फिलहाल गोलीबारी की घटना किस वजह से हुई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पल्स बीपी तो ठीक है और ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है। गोली लगी है बाएं तरफ पंजरा में, अंदर में गोली है। कल इसको और गोली निकाला जाएगा, बच जाना चाहिए। कितनी गोली लगी है? एक गोली है। कहाँ पे लगी है? पंजरा में, दाहिने तरफ पंजरा में लगा है। अंदर में गोली रुकी हुई है, उसको कल निकाला जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। अभी क्या कंडीशन है? अभी पल्स में भी ठीक है, कोई वैसा इमरजेंसी नहीं है।